शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बड़ोदी स्थित जेल के पीछे एक युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया। वहीं बिजली के खंभे से नीचे गिरने से उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। युवक ने बताया कि ठेकेदार के कहने पर वह खंभे पर चढ़ा था और उसने आर्थिक सहायता और इलाज के लिए पैसे की बात की थी, लेकिन अब नहीं दे रहा है। जानकारी के अनुसार मुकेश जाटव पुत्र बादामी जाटव निवासी ग्राम गुंगरीपुरा ने पुलिस को दिया आवेदन में बताया कि वह 4 अक्टूबर 2022 को शाम के 5 बजे ठेकेदार रवि शर्मा के कहने पर विद्युत के खंभे पर कार्य कर रहा था, तभी वह खंभे से नीचे गिर गया, जिससे मुकेश जाटव के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। इसके बाद ठेकेदार ने पूरा इलाज कराने का युवक से बोला था। इसके बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और 7,200 रूपये दिए गए थे। 4,000 की गोली दवाई अलग से दिलवाई थी, लेकिन उसका कहना है कि उसके दोनों पैर ठीक नहीं हुए हैं और बीमार पड़ा हुआ है। युवक ने बताया कि उसके 4 बच्चे हैं और माता पिता वृद्ध हैं एवं बड़ा भाई विकलांग है और एक छोटा है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। युवक ने बताया कि ना ही उसका पूरा इलाज कराया जा रहा है और ना ही उसकी आर्थिक सहायता की जा रही है, जिसके चलते जब उसने ठेकेदार से कहा तो उसे गालियां मिली। युवक ने पुलिस को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मोनू नामदेव की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश जाटव। क्या समस्या लेके आए कोतवाली? ठेकेदार की रिपोर्ट करने आए थे। क्या मैं काम पे आया था, मुझे काम पे बुलाया था, बड़ौदी काम पे गया था तो लाइट का काम कर रहे थे, खम्भे गाड़ रहे थे तो खम्भे गाड़ के मतलब खड़े कर दिए, तो बोल रहा था ठेकेदार की मतलब इस पे चढ़ जाओ, सामान कस दो इस पे। तो मैं बोला मैं इस पे एक हाथ खम्भे गाड़े हैं लोहे के पोल 11 मीटर के, तो उनकी जोक से वैसे ही गिर जाएंगे हम ऊपर टंगेंगे। तो मन गई तो कोई बोल रहा था अगर नहीं मरेगा कहीं मजदूरी कहीं के लिए रहा गई थी। कोई मैंने कही मुझे नहीं चाहिए मजदूरी, मैं तो घर चला जाऊंगा। मैंने कही मुझे नहीं चलना है, गिर जाएगा कम्मा तो क्या होगा। उनकी अरे कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं मैं होऊंगा जो और वो कोई मजदूरी कहीं के लिए रहा, कहीं नहीं नहीं चलेगा, कहीं तुझे ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। मुझसे माँ बहन की गाली देने लगा जो और वो कोई बोलने लगा चमड़ू अड्डा जो और वो क्या, हाँ जाति सूचक गालियां दे रहा था मुझसे। और जे 4 नवंबर की बात है। अभी मुझे प्राप्ति दी है, FIR नहीं काटी है। अब आप क्या चाहते? कल भी आए थे और आज भी आए, तो आज क्या चाहते? बस कुछ नहीं, मतलब मुझे कुछ हेल्प मिल जाए, मेरा